स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ एक दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह एक घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो एक घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उसे पाकर वे ये कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को ये कहते हुए उत्तर दिया, भाई मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं, क्या तुमने मेरे साथ एक दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं, क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे।